brought to you by Techno Spark 20 series smartphones. I'm superhuman. मध्य प्रदेश की खजुराहो लोकसभा सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मीरा यादव का नामांकन फॉर्म रिटर्निंग ऑफिसर ने जांच के बाद खारिज कर दिया था। कांग्रेस ने सीट शेयरिंग फॉर्मूले के तहत ये सीट सपा के लिए छोड़ दी थी। पन्ना के रिटर्निंग ऑफिसर सुरेश कुमार ने मीरा यादव का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है। उन्होंने बी फॉर्म पर हस्ताक्षर नहीं किए थे, लेकिन अब सपा प्रत्याशी मीरा यादव ने रिटर्निंग अधिकारी पन्ना की चुनाव आयोग से इसकी शिकायत की है। इधर मीरा यादव ने इसको लेकर हाईकोर्ट का भी रुख किया है, जहां से उन्हें राहत मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। फॉर्म खारिज होने के बाद मीरा यादव के पति ने सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात कही थी। कल सारी जाँच करने के बाद उसको वेरीफाई किया, अगर कुछ कमी है, नियमावली में ये नियम है कि अगर कोई कमी रहती है, कोई अनपढ़ उम्मीदवार भी है तो उसका भी फार्म दुरुस्त कराने की जिम्मेदारी निर्वाचन अधिकारियों से संबंधित की है, लेकिन कल उसको ओके किया गया। अब उसमें दो कमी बताई जा रही हैं कि हमारी वोटर लिस्ट जो है वो सर्टिफाइड कॉपी लगी है पुरानी, और एक जगह दो जगह दस्तखत होते हैं, उसकी जगह एक जगह दस्तखत किए गए हैं। तो उसकी वजह ये है कि हमारे 2 तारीख को हम लोग अप्लाई किए, 3 तारीख को कॉपी नहीं मिल पाई, जो सर्टिफाइड कॉपी उपलब्ध थी वो लगा दी हमने। भाई अगर आपको कम वो ख़राब दिख रही थी, पुरानी दिख रही, आप बोलते तो हम तुरंत आपको फिर आज तक करा देते रहे, जब तो हमारे पास टाइम था ऑब्जेक्शन के समय तक। इधर मीरा यादव के नामांकन निरस्त होने के बाद कांग्रेस और सपा ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा था और इसे लोकतंत्र की हत्या बताया था। वहीं भोपाल में इसको लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल नेताओं की बैठक भी हुई। फिलहाल मीरा यादव का नामांकन निरस्त होने से सीट पर अब बीजेपी को जैसे ही वॉक ओवर मिल गया है। बीजेपी ने यहां से प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा को उम्मीदवार बनाया है, जिनकी जीत की राह अब आसान नजर आ रही है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी वीडी शर्मा यहां से चुनाव लड़े थे और जीत भी हासिल की थी। इस चुनाव में कांग्रेस ने उम्मीदवार न उतारते हुए सपा के साथ गठबंधन कर सीट उनके लिए छोड़ दी थी। अब कांग्रेस से सपा से वहाँ कोई उम्मीदवार नहीं होने से वीडी शर्मा यहाँ से बड़ी जीत दर्ज कर सकते हैं। पन्ना से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। एमपी तक